नमस्कार बंधु, भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पिस्टल कोरेक्स पुलिस का नकली कार्ड, एक कार सहित एक आरोपी रीवा चाकघाट पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, काफी दिनों से कर रहा था कोरेक्स का अवैध कारोबार। अवैध नशीली कप सिरप का कारोबार करने वाले एक आरोपी को चाकघाट पुलिस ने एक कार एवं एक पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी जेल पुलिस का पहचान पत्र बनवाकर करता था अवैध कारोबार। चाकघाट पुलिस द्वारा अवैध नकली कप सिरप का परिवहन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी फर्जी जेल पुलिस का पहचान पत्र बनवाकर नशीली कप सिरप के परिवहन में इस्तेमाल करता था। साथ ही आरोपी अपने पास लोडेड पिस्टल भी रखता था। चाकघाट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के कब्जे से 110 प्रतिबंधित नशीली कप सिरप, एक अवैध पिस्टल मय कारतूस के तथा धीरज कुमार के नाम का उत्तर प्रदेश कारीगर बंदी रक्षक का फर्जी पहचान पत्र जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। न्यायालय के आदेश से जेल भेजने के बाद पुलिस ने बताया, आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार नंबर UP70EP2049, कीमत करीबन 6 लाख रुपए, एक अवैध पिस्टल मय कारतूस के, एक उत्तर प्रदेश कारगार बंदी रक्षक का फर्जी पहचान पत्र, 110 नग प्रतिबंधित अवैध कप सिरप पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद की है। पुलिस ने आरोपी का नाम धीरज मिश्रा, पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्रा बताया है। इस बारे में हमने रीवा के एडिशनल SP अनिल सोनकर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ग्राम कोडीन की मात्रा थी जिसे जब्त किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल भी मिली है जिसमें एक जिंदा कारतूस है और उसके पास एक आई कार्ड मिला है जो फर्जी है, जेल पुलिस का बना हुआ था। इसी के माध्यम से वो बैरियर से और लोगों को दिखा करके और अपनी वो जो है उपस्थिति छुपाता था और कोरेक्स की जो है परिवहन करता था। इस तरह आज उसको उसके खिलाफ़ जो है NDPS के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेजा गया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।